सेकेंड डे स्टार्ट हो गया है, सब लोग उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, कुछ लोग हमसे पहले निकल गए हैं, कुछ निकल गए हैं, मैं भी रेडी हो गया हूँ। तो बस अब हम इंशाल्लाह ताला आगे यहाँ चित्राल से बूनी की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं। नाश्ता भी हमारा बूनी में जाके है, फर्स्ट जो स्टॉप है वो भी बूनी में है। तो सारों से फिर आपको बूनी में ही मिलाते हैं। कल रात सब लोगों ने चित्राल में स्टे किया था और आज सुबह उठ के हम लोग बूनी की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। नाश्ता जो है हमारा बूनी में ही होगा और ये सुबह 7 बजे का टाइम है, हम लोग बूनी की तरफ निकल रहे हैं। आप रास्ता देख सकते हैं कि रास्ता जो है वो सड़क बनी हुई है, सड़क इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गुजारने लायक है, क्योंकि कुछ जगह से ख़राब है, कुछ जगह से ठीक है, लेकिन ऑन रोड है सारा। बूनी तक हमें ये सड़क ऐसे ही मिलेगी और बूनी में जाके अब हम नाश्ता वगैरह करके वहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे। आप देख सकते हैं कि जो व्यू है सुबह का कितना खूबसूरत है। बूनी पहुँच गए हैं, ये बूनी का बाज़ार है। काफ़ी शॉप्स अभी बंद हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, और ये बाइक्स वगैरह हमारी खड़ी हैं। कुछ दोस्त आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, जो आ गए हैं वो लोग अंदर नाश्ता कर रहे हैं। चलें देखते हैं वो क्या खा रहे हैं। नाश्ता हो रहा है, क्या है नाश्ते में, क्या खाया जा रहा है? आलू गोश्त, सुबह सुबह गाय का गोश्त, कैसा टेस्ट है? ऊंची बोले जिसने लाहौर देखा नहीं वो जमाने गाल सुना का। ओ गुड डे, सब बाइकर्स बूनी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर नाश्ते के लिए कोई होटल वगैरह ढूंढा जा रहे हैं। तो पता चला कि कुछ साथी हमारे ऑलरेडी आगे किसी जगह पे किसी गेस्ट हाउस में हैं और वहाँ नाश्ते का भी इंतज़ाम है। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके हम नाश्ता वगैरह करेंगे। कुछ साथी हमारे पहले ही पहुँच चुके हुए थे तो उनसे भी मिलते हैं। बूनी में एक फ्रेंड है, ये उनका गेस्ट हाउस है जहाँ पर हम लोग उन्हें नाश्ते के लिए अपना इंतज़ाम करवाया। तो ये सब बाइकर्स, कुछ लोग यहाँ पहले ही रह रहे थे जिन लोगों ने अपना कैंप्स वगैरह यहाँ लगाया हुआ है, और ये सब लोगों की बाइक्स हैं। और जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा था वो ये कि इधर इन पे दरख्तों पे कुर्बानी लगी हुई है, ये देखिए ये खुरमानी है और बिल्कुल फ्रेश है। ये जो गेस्ट हाउस है यहाँ के लोकल्स चित्राल बाइकर्स का एक क्लब है जिन लोगों ने ये गेस्ट हाउस बनाया है, और ये ख़ुद भी एक बाइकर क्लब है जो पहली दफ़ा करम्बर लेक पे जा चुके हैं, जिनका गेस्ट हाउस है। आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा और वेल फर्निश्ड है, कि बूनी के अंदर इस तरह का होटल या इस तरह का गेस्ट हाउस और कोई नहीं है। बहुत ही साफ़ सुथरा, और बाहर जो गार्डन का व्यू है वो भी बहुत प्यारा है। सब लोग इधर उधर रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, और ये आगे डिस्कशंस कर रहे हैं कि यहाँ से आगे किस तरह जाए। नाश्ता आ गया है और सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, अंडे पराठे और चाय चित्राल बैठे। कोई नहीं, कोई नहीं, करने के बाद अब यहाँ सब लोग बैठे हैं और डिस्कशन की जा रही है कि आगे किस तरह जाया जाए और क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं पेट्रोल वगैरह की। इकराम भाई यहाँ से पहले गए हैं, जो करम्बर लेक पे फर्स्ट टाइम बाइक्स पे गए थे, तो उनका एक्सपीरियंस है, इनसे अब डिस्कशन की जा रही है। इनकी डिस्कशन के मुताबिक इन्होंने हमें बताया कि आपको जो मस्तूज से आगे पेट्रोल एक आधी जगह पर मिलेगा, और यहाँ से 140 किलोमीटर्स का रास्ता है, और जो लास्ट गांव है लश्कर का उससे 2-2.5 किलोमीटर आगे जो झील है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है वो झील का है। तो आप वहाँ तक जाएँ, लश्कर गाह तक आज और वहाँ जाके स्टे करें। तो ये एक और भाई इनके साथ जो गए थे वो भी मौजूद हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं, ये बाइक के मैकेनिक भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह चित्राल साहब है, ये यहाँ पे बूनी में इनका सेटअप है बाइकों का, यहाँ पे ये मैकेनिक हैं और आने वाले टूरिस्ट को बहुत अच्छी तरीके से इंटरटेन करते हैं।
इनका ये रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, ये इकराम खान साहब चलाते हैं, दोबार खान साहब, तो इनका बड़ा अच्छा सा यहाँ पे हर बंदों को वेलकम बड़ा अच्छा करते हैं, हम भी आए हैं, बहुत अच्छा वेलकम किया इन्होंने हमें, तो आगे के लिए इनसे पूछ रहे हैं कि ना करमबर तक कैसे जाना है, और ये जब गए थे पिछले साल तो कैसे गए थे जी, जी। तो जी नसर भाई बताए, यहाँ से आप जो निकले थे रात को कितने बजे निकले थे या दिन को निकले थे? दिन को निकले थे ना, इधर से कितने बजे? तकरीबन दो 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 तीन बजे इधर से निकले, दोपहर के वक्त। अच्छा, वहाँ से आप लोग मस्तूज पहुँचे, मस्तूज से फिर खरमरा थाया, फिर आगे निकल गए, आगे लश्करगाह तक स्टे पहले किया या रास्ते में किया? रास्ते में किया, रास्ते में ठहर गए थे। कौन से गाँव में? किधर? में। अच्छा, वहाँ से फिर सुबह उठ के कितने बजे निकले अगले? उधर तकरीबन 10 बजे हमने उधर से निकले थे जी, जी लश्करगाह, लश्करगाह से फिर 11 बजे हम करमबर के लिए निकले। अच्छा, तकरीबन 4 बजे तक करमबर आए। अच्छा, लश्करगाह से जब 12 बजे निकले? 10 बजे नहीं, 10 बजे तो आप गाँव से निकले थे? 11 बजे लश्करगाह से, लश्करगाह से निकले, फिर 2:30 बजे तक आप करमबर पे पहुँच गए। कितने बजे पहुँचे? 4 बजे 4 बजे पहुँच गए थे, वो 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उसके बाइकों को आपको मैकेनिक आपको बताओ कि कहाँ जोर ज़्यादा लगा और कैसे लगा और कैसे लगाया, किताबें का भी लगा होगा बाइक, क्योंकि इनकी बाइक पे तो डबलिंग भी थी, वो बंदा उतर के ज़्यादा भागा जो खान खान तो दो खान है ना, डबलिंग हो गई। क्या हाल है? ये जी सारी डिटेल्स है उसकी, तो इनके कहने के मुताबिक तो मतलब कि कल हम लोग झील के ऊपर होंगे इंशाल्लाह ताला, तो देखते हैं। दुकान किधर है आपका? थैंक यू। जट साहब हर टाइम परेशान ही रहते हैं, रात को भी इन्होंने कोई बात नहीं की, आप भी बेचारे पता नहीं कौन सी टेंशनों में है पीछे से। अच्छा नहीं, ये हैं डॉक्टर उमर खान साहब, हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर और हमारे रिस्पेक्टेड सर, इनसे हम पूछते हैं कल के और आज के दिन के बारे में इनके क्या कमेंट्स हैं। ये बेसिकली हमसे ना थोड़ा सा आगे थे, हम इनसे पीछे थे, हम इनको फॉलो अप कर रहे थे, तो ये आज बूनी के अंदर हमारा मीटअप आपस में हुआ, तो आज हम इनसे पूछते हैं कि 2 दिन का क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या कमेंट्स देंगे। अभी तक तो बस रूटीन मैटर चल रहा है, जो एग्जॉटिक प्लेसेस हम जाना चाह रहे हैं वो तो आज शुरू होगा। बिल्कुल, और वो सुना है जितना एग्जॉटिक है उतना ही टफ है, मैंने कभी किया नहीं बाहर। सुना आपका भी यानी फर्स्ट टाइम है, यानी यहाँ जितने भी लोग जा रहे हैं उनका जो ब्रोगल लेक और ब्रोगल वैली और करमबर लेक है ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ हम लोगों ने लोगों से बातें ही सुनी है कि वहाँ इस तरह है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, अब जाएंगे तो और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि वो कहाँ है। और आपसे बता दूँ कि ये ग्रेट गेम के ज़माने में जब रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान में जंग जारी थी, तो ये 200 साल रास्ता ये इलाका बंद रहा, किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती थी। ये तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद 90s में खुला। तो मेरा पहले प्लान था 94 में यहाँ जाने का और मैं प्लानिंग में शामिल था, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं नहीं जा सका था। बाहर सुना है इट्स एन एग्जॉटिक प्लेस, बड़ी कमाल की जगह है, और हर खूबसूरत चीज़ की तरह वहाँ पहुँचना उतना ही मुश्किल। अल्लाह आमीन। थैंक यू। चित्राल बाइकर के रिजॉर्ट में अभी सब लोगों ने नाश्ता किया है और अब जहाँ से हम निकलने लगे हैं ग्रुप फोटो बनाई जा रही है। यहाँ पे उन लोगों ने नाश्ता बहुत ही अच्छा करवाया है और अब हम बूनी से निकल चुके थे हम और हम आगे मस्तूज को जा रहे हैं। मस्तूज का सारा ही ऑफ ट्रैक है, देख सकते
देखेंगे आप, और बहुत ज़्यादा मिट्टी है उसमें, आप देखें क्या हाल हो रहा है। एक यहाँ पर ज़रा हम रुके हैं बाइकों को ज़रा सांस लेने के लिए और खुद भी सांस लेने के लिए, और पीछे काफ़ी व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। हम मस्तूज यहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर रह गया, और यहाँ गर्मी का तो ना ही पूछे, ऐसे लग रहा है जैसे शमशाल का ट्रैक कर रहे हैं। मिट्टी पथरीला कच्चा रोड है सारा, और मिट्टी बहुत ज़्यादा, और गर्मी भी बहुत है। अब देखिए आगे कैसा मौसम मिलता है। ये तकरीबन बूनी से 35 किलोमीटर है बस, यहाँ से रह गया पर लास्ट में ही है, बस 5 किलोमीटर और रह गए हैं। उसके बाद हम लश्कर की तरफ जाएंगे, वहाँ जाके एयरबीएनबी। ओ माय गॉड, हम पहुँच गए मस्तूज, और ये है सब लोग पहुंच गए हैं मस्तूज में, और अब ये खाना खा रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला अब जहाँ से आगे हमने ब्रोगल के लिए निकलना है, ये सब लोग रोटी खा रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ पहले आ गए थे कुछ खा लिया। मस्तूज में बैठे थे एक होटल में, चाय शाय पीने के लिए रुके थे, तो ये दो भाई हमें ब्रोगल के मिल गए हैं। ये ब्रोगल गांव से इनका ताल्लुक है, तो इनसे पूछते हैं कि ये अपनी ब्रोगल वैली के बारे में बताएं। पहले तो आप मुझे ये बताएं वहाँ पर बोली कौन सी ज़ुबान जाती है। वहाँ पर वही ज़ुबान बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ से ब्रोगल में जाने को कितना रास्ता है और कितना टाइम लगता है? ये 8-9 घंटे लग जाएंगे। 8-9 घंटे लग जाएंगे।